दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में, जहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल आप सभी के सामने, जिनके बारे में यकीनन ही आप जानना चाहते होंगे। कोई और नहीं, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ऑल ही मैन के बारे में। ही मैन यानी कि धर्मेंद्र को लेकर। भाई धर्मेंद्र कितनी कुल संपत्ति के मालिक है, भाई धर्मेंद्र का कितना शाही लाइफस्टाइल है, किन किन चीज़ों के शौकीन है वो। भले ही उनकी उम्र जो है 82 इयर्स हो गई है, मगर आज भी जिस अंदाज से वो अपना जीवन जीते हैं, क्या कुछ है उनके पास, क्या है धर्मेंद्र की दो शादियों का राज, क्या है धर्मेंद्र की लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न के पीछे, यहाँ पर देखेंगे आप हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में। भाई बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं, मगर क्या आप ये जानते हैं कि आखिरकार कैसी जिंदगी जीते हैं धर्मेंद्र? क्या आपको ये पता है कि भाई इतनी उम्र में हो जाने के बाद भी जहाँ पर एक एज के साथ बुढ़ापा है, तो वहीं धर्मेंद्र इतने फिट कैसे हैं? हम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देंगे धर्मेंद्र के बारे में। आपको जान के हैरानी होगी कि धर्मेंद्र विंटेज कारों का भी शौक रखते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास आलीशान फार्म हाउस भी बताए जाते हैं। आपको जानकारी दे दें कि कहा तो ये जाता है कि पंजाब से मुंबई जब पहुंचे थे धर्मेंद्र, तो फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने खूब स्ट्रगल किया था, और आज देखिए ना, फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक बड़ा सितारा वो बन चुके हैं। ये मेहनत करने वालों के लिए मिसाल है। धर्मेंद्र की दो शादी हुई है, जिनसे उन्हें 6 बच्चे हैं। उनका लगभग पूरा परिवार स्टारडम से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल फिल्मों में हैं। बेटी ईशा फिल्मों में आ चुकी है और पत्नी जो है ड्रीम गर्ल के नाम से बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेमस है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि धर्मेंद्र कई मौकों पर अपनी पहली फिल्म पहली कमाई के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब धर्मेंद्र की कितनी इनकम है? आपको बजान के हैरानी होगी कि रिपोर्ट्स के माध्यम में बताई जाती है कि अभिनेता धर्मेंद्र की कुल संपत्ति लगभग 70 मिलियन डॉलर है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 513 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि अभिनेत्री धर्मेंद्र वैसे तो नई फिल्मों में भी अब नजर आ चुके हैं। यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में आप सभी ने उनको देखा होगा। फिल्मों और एड से धर्मेंद्र अब भी कमाई करते हैं। यकीनन ही जिस उम्र में धर्मेंद्र अब भी कमा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ही एक इंस्पायर करने वाला है। फिल्म और एड से कमाई के बाद धर्मेंद्र का अपना प्रोडक्शन हाउस भी बताया जाता है, जिसका नाम विजयता फिल्म्स है। एक रिपोर्ट की माने तो धर्मेंद्र की सालाना कमाई 12 करोड़ रुपया बताई जाती है। धर्मेंद्र को अपना अधिकतर समय फार्म हाउस में बिताते हुए देखा गया है और उन्हें काफ़ी पसंद भी है। अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के जुहू में एक बंगले में रहते हैं। हालांकि लोनावना में स्थित एक आलीशान फार्म हाउस के मालिक भी हैं वो। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भाई धर्मेंद्र जो हैं विंटेज कारों का शौक रखते हैं। उनके पास 2 विंटेज कारें भी हैं और 2 गाड़ियां बताई जाती हैं, एक मर्सिडीज बेन SL 500 और दूसरी रेंज रोवर, जो उनकी कलेक्शन में शामिल होती हैं। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि भाई धर्मेंद्र ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे कि शोले, इज्जत, धर्मवीर, गुलामी, फूल और पत्थर, जानी दुश्मन और आए दिन बाहर जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में भी वो करते रहे। धर्मेंद्र तो तब सुर्खियों में आए जब धर्मेंद्र ने दूसरी शादी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से कर ली। कहा जाता है कि भाई धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन भी करवा लिया था। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र कई बारी पंजाब भी जाते हैं, मगर जब उन्होंने ड्रीम गर्ल को देखा और उनकी मुलाकात ड्रीम गर्ल से हुई, तो उनको उनसे भी मोहब्बत हो गई और उन्होंने ड्रीम गर्ल को अपनी धर्मपत्नी बना लिया।
आपको जानकारी दे दें कि भाई धर्मेंद्र की पहली पत्नी से उन्हें दो बेटे हैं, तो वहीं उनकी दूसरी पत्नी यानी कि ड्रीम गर्ल से उन्हें दो बेटियां हैं। कई बारी जो है खास मौकों पर धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल को एक साथ देखा जाता है। आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ इतना स्पॉट नहीं होते, क्योंकि बताया जाता है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी लाइमलाइट से दूर रहना चाहती हैं। अब ऐसे में धर्मेंद्र जहां पर मिलियन बिलियन के डॉलर के जो हैं मालिक बताए जाते हैं, तो ऐसे में धर्मेंद्र काफ़ी ही सिंपल जीवन भी जीते हैं। अब घर खर्च की बात करें तो बीते दौरान बताया जा रहा था कि धर्मेंद्र का जो घर है उसकी नीलामी हो सकती है, मगर जब उनके बेटे सनी देओल की गदर वापस आई और वो फिल्म रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई, उसके बाद उनका घर नीलाम होने से भी बच गया। अब ऐसे में हाल ही में जिस हिसाब से एनिमल में बॉबी देओल की एक्टिंग को सराहना दी जा रही है, उससे मानो लग रहा है कि देओल परिवार में अब एक बार फिर से जो है खुशियों का बहार वापस आ चुका है। तो इस हिसाब से धर्मेंद्र बुढ़ापे में भी अपनी आलिशान जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जीते हुए दिखाई दिए। तो देखा आपने किस तरह से हम यहाँ पर धर्मेंद्र की लाइफस्टाइल के बारे में आपको बता रहे थे। आपने जाना कि आखिरकार दो दो पत्नियाँ हैं, धर्मेंद्र के 6 बच्चे हैं धर्मेंद्र के, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है ये देखा गया है कि जो धर्मेंद्र हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी बेहद ही सिंपल सी जिंदगी में जो है खुश रहते हैं। उन्हें फार्म हाउस में देखा जाता है जहाँ पर वो खेती करते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र के जो रूट्स बताए जाते हैं वो पंजाब से हैं, और पंजाब में भी वो पहले खेती सब ही करते थे, जिसके बाद वो मुंबई शहर आए, उन्होंने एक स्ट्रगल किया। धर्मेंद्र यकीनन ही यूथ के लिए काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन है, आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि जिस हिसाब से आज धर्मेंद्र बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिनकी इज्जत से लेकर उनके पास शौहरत भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका काफ़ी लंबे समय का स्ट्रगल है। आपने हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा कि आखिरकार धर्मेंद्र की लाइफ भी इतनी आसान नहीं थी। धर्मेंद्र को जहाँ पर विंटेज कारों का शौक है, तो वहीं अब साफ तौर पर धर्मेंद्र की लाइफस्टाइल इतनी सिंपल है, और जो है इतने जो उनका अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो आपने देखा कि किस हिसाब से वो जो है गांव से आए हुए थे, और आज भी जो है वो एकदम सीधी लाइफ अपनी जीते हैं, और कहीं ना कहीं जितनी संपत्ति के वो मालिक हैं उससे साफ तौर पर लगता है कि धर्मेंद्र काफ़ी ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी रखते हैं, क्योंकि अक्सर पेपराजी के सामने धर्मेंद्र की इतनी इज्जत की जाती है, धर्मेंद्र जी कहा जाता है, यकीनन ही, क्योंकि धर्मेंद्र सर ने जो मुकाम हासिल किया है वो यकीनन ही काबिलियत तारीफ है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, आप मुझे दे दीजिएगा इजाजत, मगर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।